नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज़ हुई, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी और इसके काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरभंगा टेडी मेडी क्रेजी, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल रॉय ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू। आई केम अपॉन तिरभंगा बाई चांस ऑन नेटफ्लिक्स। आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एन्जॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच्ड। एंड तिरभंगा इज़ ए ब्यूटिफुल फिल्म एंड काजल्स बेस्ट एंड द अनइंटेंडेड रेप्रिक्यूशंस ऑन चिल्ड्रंस ऑफ दियर पेरेंट्स। ओके, ब्रिलियंट एंड रियल स्टोरी ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रोमा एंड दीज आर एब्सोल्युटली अनडिस्कस्ड सोशल रियलिटीज हिट्स होम नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर मैनी पीपल्स आई नो। द फिल्म आइडियाज विथ द टॉपिक इन ए वेरी बैलेंस्ड वे। द मदर्स डियर पार्टनर थ्रो ब्रॉट एवरी अनोदर मच नीडेड परस्पेक्टिव टू हाउ थिंग्स कैन हैपन्ड। And it's actually one of the best in the recent time, a movie which speak volume about that parents go through to make their children self sufficient, and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss, the movie delineates the characters extremely well, and the dance and sculptures portrayed several pose the and in dance it is seen as a single crew poser and a film to be watched by every parents, or I may say every individuals. At times we feel that other persons have never understood our pain. We feel she is seeing us going through the pain but not doing much to save us from the pain. Especially in case of children, they expect that their parents must understand. It is a fantastic movie. It seems to be based on some real story that puts one so close to real life, highlighting social shortcoming of our society makes it inspirational and realistic in the scenes that we do though through every other day, while able to realize the truth around as us in the present time. तिरभंगा टेडीमेडी क्रेजी ड्रामा एंड द थ्री जनरेशंस ऑफ वुमेन दियर स्ट्रगल मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिग्रेट एंड रिसेंटिमेंट्स एंड ऑल द थ्री लीडिंग लेडीज काजोल तन्वी एंड मिथिला पालकर हैव परफॉर्मड वेल। गुड मूवी राइट फ्रॉम टू गेट गो। फील लाइक ए टिपिकल हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ ए मूवी। द सब्जेक्ट मैटर इज वेरी सीरियस एंड हैज़ बीन डेल्ट विथ इन ए दियर फेयर मैनर्स। हाउएवर द मूवी हैज़ ग्लोज्ड ओवर ए लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन द क्वेस्ट टू क्लाइम नीडलेस स्ट्रीम्स। ओके, स्टार्टेड वॉचिंग इट विदाउट मच एक्सपेक्टेशन। बिगेस्ट excitement was just about Kajol, not just the amazing actress but the movie itself was a beautiful
एंड ए वेरी नाइस मूवी, ब्रिलियंट मूवी। रेणुका साहने हैज़ कम ए लॉन्ग वे एंड सिंस हर अर्ली डेज एज ए पॉपुलर आर्टिस्ट ऑन दूरदर्शन से। हर स्क्रीन प्ले इज शार्प एंड डायरेक्शंस इंस्पायर्ड। द कास्टिंग इज आउटस्टैंडिंग बट इट इज़ द स्टोरी दैट टेक्स द केक। आई कैन रिलेट टू द सिचुएशंस वेयर ए डॉटर्स हैज एन एंटायरली डिफरेंट। आई रियली लाइक्ड इट। गुड इंसिस्ट इनटू द फैक्ट दैट डिस्पाइट पोजिंग एडवांसमेंट टू द वर्ल्ड, इंडिया इज स्टिल स्टक इन सम ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशनल्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमन्स जस्ट बिकॉज देर आर स्टारबक्स एंड KFCs इन मुंबई डजंट मीन इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड। लव द करोल कैरेक्टर्स ऑल एज ए वॉल। गुड पिक्चराइजेशन एंड कास्टिज्म एंड ब्यूटिफुल वुमेंस ऑन स्क्रीन एंड क्यूट मोमेंट्स। सो कंप्लेंट इन एक्टिंग ऑफ कोर्स विद दीज टैलेंटेड एक्टर्स। जस्ट लव्ड दिस मूवी। स्टोरी लाइन डायरेक्शंस सो नेचुरल ब्रिलियंट कास्ट। आफ्टर फिनिशिंग द मूवी कम टू गूगल टू सी रिएक्शन एंड फाउंड व्यू। सो कॉल्ड क्रिटिक्स गिव 2 and 3 stars। थिंक गॉड आई यूज माई ब्रेन एंड वॉचड मूवी विदाउट डिपेंडिंग अपॉन रिव्यू। वेरी नाइस वार्म रियलिस्टिक मूवी। एंड त्रिभंगा इज ए वेरी रिलेटेबल मूवी विच डील्स विथ द रिलेशंस बिटवीन ए मदर एंड ए डॉटर एंड देन दैट डॉटर एज ए मदर एंड हर डॉटर। ए ग्रेट मूवीज बाय एनी स्टैंडर्ड्स। रेणुका साहने डिजर्व टू बी अपोल्डेड फॉर द डायरेक्शियल एंड वेंचर्स। एंड वेन फिल्म स्टार्ट अनुज फेमस नॉवेलिस्ट मदर आनियाज गोस इन टू कोमा। अनु एंड हर डॉटर्स मासा आर फेस्ड टू स्पेंड टाइम टूगेदर इन द हॉस्पिटल विथ नैन। एज अनु रिफ्लेक्ट्स ऑन हर ट्रबल्ड रिलेशनशिप विथ हर मदर वॉज easily waited to see this movie. Great movie with a good star cast who never overdo things. The emotions show are so subtle and incredible. You can really feel it, especially mention to Tanvi Ji and Kunal Kapoor. Okay, Tirbanga is a beautiful woman centric movie after a long time. And emotions are beautifully portrayed. Tanvi and her retrained acting stand out. You love her through the movie from the first scene to last. She was progressive for her time, which was not accepted by society. Brilliant performance by Kajol and Tanvi. Brilliant piece of work by Renuka Sahane and depreciating leaves to unconventional women and the impact of their choices on those who are related to them. Okay, Tirbanga is must watch, heart warming and throw and provoking movie. A woman centric movie and awesome directions of Renuka Sahane was taken this movie to a great height. The poignant moments and emotionals attached with motherhood who have been penned down by the directors beautifully. And interesting theme, lovely performance, its scenes in personalities, choices, perspectives and
repercussions. The Kajal and when Mithali Patrakar talks about her childhood issues, seems it little too simplistic. And Tribhanga is a three generations let tale with different stories connected to one. The pure essence of a selfish and a very nice movie. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज़ हुई, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी और इसका काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरभंगा टेडी मेडी क्रेजी, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल रॉय ने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू। आई केम अपॉन तिरभंगा बाई चांस ऑन नेटफ्लिक्स। आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एंजॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच्ड। एंड तिरभंगा इज़ ए ब्यूटिफुल फिल्म एंड काजल्स बेस्ट एंड द अनइंटेंडेड रेप्रीक्यूशंस ऑन चिल्ड्रंस ऑफ दियर पेरेंट्स। ओके, ब्रिलियंट एंड रियल स्टोरी ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रोमा एंड दीज आर एब्सोल्युटली अनडिस्कस्ड सोशल रियलिटीज हिट्स होम नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर मैनी पीपल्स आई नो। द फिल्म आइडियाज विथ द टॉपिक इन ए वेरी बैलेंस्ड वे। द मदर्स डियर पार्टनर थ्रो ब्रॉट एवरी अनोदर मच नीडेड परस्पेक्टिव टू हाउ थिंग्स कैन हैपन्ड। And it's actually one of the best in the recent time, a movie which speak volume about that parents go through to make their children self sufficient, and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss, the movie delineates the characters extremely well, and the dance and sculptures portrayed several poses. The and in dance it is seen as a single crew poser, and a film to be watched by every parents, or I may say every individuals. At times we feel that other persons have never understood our pain. We feel she is seeing us going through the pain but not doing much to save us from the pain. Especially in case of children, they expect that their parents must understand. It is a fantastic movie. It seems to be based on some real story that puts one so close to real life, highlighting social shortcoming of our society makes it inspirational and realistic in the scenes that we do through every other day, while able to realize the truth around us in the present time. तिरभंगा टेडी मेडी क्रेजी ड्रामा एंड द थ्री जनरेशंस ऑफ वुमेन दियर स्ट्रगल मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिग्रेट एंड रिसेंटिमेंट्स एंड ऑल द थ्री लीडिंग लेडीज काजोल तन्वी एंड मिथिला पालकर हैव परफॉर्मड वेल। गुड मूवी राइट फ्रॉम टू गेट गो। फील लाइक ए टिपिकल हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ ए मूवी। द सब्जेक्ट मैटर इज़ वेरी सीरियस एंड हैज़ बीन
dealt with in a their fair manners. However, the movie has glossed over a lot of characters in the quest to climb needless streams. Okay, started watching it without much expectation. Biggest excitement was just about Kajol, not just the amazing actress, but the movie itself was a beautiful and a very nice movie. Brilliant movie. Renuka Sahane has come a long way, and since her early days as a popular artist on Doordarshan, her screenplay is sharp and directions inspired. The casting is outstanding, but it is the story that takes the cake. I can relate to the situations where a daughter has an entirely different. I really liked it. Good insist into the fact that despite posing advancement to the world, India is still stuck in some of outdated traditionals and treatment of women just because there are Starbucks and KFCs in Mumbai doesn't mean India has progressed. Love the Kroll characters all. As a whole, good picturization and casteism and beautiful women on screen and cute moments. So complaint in acting, of course, with these talented actors. Just loved this movie. Storyline, directions, so natural. Brilliant cast. After finishing the movie, come to Google to see reaction and found view. So-called critics give 2 and 3 stars. Think, God, I use my brain and watch a movie without depending upon review. Very nice, warm, realistic movie. And Tribhanga is a very relatable movie which deals with the relations between a mother and a daughter, and then that daughter as a mother and her daughter. A great movie by any standards. Renuka Sahane deserve to be applauded for the directorial and ventures. And when film start, Anu's famous novelist mother Anya goes into coma. Anu and her daughters Masa are forced to spend time together in the hospital with Nan. As Anu reflects on her troubled relationship with her mother, was easily waited to see this movie. Great movie with a good star cast who never overdo things. The emotions show are so subtle and incredible. You can really feel it, especially mention to Tanvi Ji and Kunal Kapoor. Okay, Tribhanga is a beautiful woman-centric movie after a long time, and emotions are beautifully portrayed. Tanvi and her retrained acting stand out. You love her through the movie from the first scene to last. She was progressive for her time, which was not accepted by society. Brilliant performance by Kajol and Tanvi. Brilliant piece of work by Renuka Sahane, and depreciating leaves to unconventional women and the impact of their choices on those who are related to them. Okay, Tribhanga is must watch, heart warming and throw and provoking movie. A woman
सेंट्रिक मूवी एंड ओसम डायरेक्शंस ऑफ रेणुका साहने वॉज टेकन दिस मूवी टू ए ग्रेट हाइट. द पोइग्नेंट मोमेंट्स एंड इमोशनल्स अटैच्ड विथ मदरहुड हु हैव बीन पेनेड डाउन बाय द डायरेक्टर्स ब्यूटिफुली एंड इंटरेस्टिंग थीम लवली परफॉर्मेंस इट्स सीन्स इन पर्सनैलिटीज चॉइसिस परस्पेक्टिवस एंड रिप्रिक्वेशंस द काजल एंड वैन मिथाली पादरेकर टॉक्स अबाउट हर चाइल्डहुड इशूज सीम्स इट लिटिल टू सिंपलिस्टिक एंड त्रिभंगा इज ए थ्री जनरेशन्स लेट टेल विथ डिफरेंट स्टोरीज कनेक्टेड टू वन द प्योर एसेंस ऑफ ए सेल्फिश एंड ए वेरी नाइस मूवी. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज हुई, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी और इसके काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिभंगा टेडी मेडी क्रेजी, जो कि 2021 में रिलीज हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल रॉय ने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों. तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं. लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों. तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू. आई केम अपॉन त्रिभंगा बाय चांस ऑन नेटफ्लिक्स. आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एंजॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच्ड. एंड त्रिभंगा इज़ ए ब्यूटिफुल फिल्म एंड काजल्स बेस्ट एंड द अनइंटेंडेड रेप्रिक्यूशंस ऑन चिल्ड्रंस ऑफ दियर पेरेंट्स. ओके, ब्रिलियंट एंड रियल स्टोरी ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रोमा एंड दीज आर एब्सोल्युटली अनडिस्कस्ड सोशल रियलिटीज हिट्स होम नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर मैनी पीपल्स आई नो. द फिल्म आइडियाज विथ द टॉपिक इन ए वेरी बैलेंस्ड वे. द मदर्स डियर पार्टनर थ्रो ब्रॉट एवरी अनोदर मच नीडेड परस्पेक्टिव टू हाउ थिंग्स कैन हैपन. And it's actually one of the best in the recent time, a movie which speak volume about that parents go through to make their children self sufficient, and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss, the movie delineates the characters extremely well, and the dance and sculptures portrayed several poses. The and in dance it is seen as a single crew poser, and a film to be watched by every parents, or I may say every individuals. At times we feel that other persons have never understood our pain. We feel she is seeing us going through the pain but not doing much to save us from the pain. Especially in case of children, they expect that their parents must understand. It is a fantastic movie. It seems to be based on some real story that puts one so close to real life, highlighting social shortcoming of our society makes it inspirational and realistic in the scenes that we do through every other day, while able to realize the truth around us in the present time. त्रिभंगा टेडी मेडी क्रेजी ड्रामा
एंड द थ्री जनरेशंस ऑफ वुमेन दियर स्ट्रगल मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिग्रेट एंड रिसेंटिमेंट्स एंड ऑल द थ्री लीडिंग लेडीज काजोल तन्वी एंड मिथिला पालकर हैव परफॉर्मड वेल. गुड मूवी राइट फ्रॉम टू गेट गो फील लाइक ए टिपिकल टिपिकल हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ ए मूवी. द सब्जेक्ट मैटर इज वेरी सीरियस एंड हैज बीन डेल्ट विथ इन ए दियर फेयर मैनर्स. हाउएवर द मूवी हैज ग्लोज्ड ओवर ए लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन द क्वेस्ट टू क्लाइम नीडलेस स्ट्रीम्स. ओके स्टार्टेड वॉचिंग इट विदाउट मच एक्सपेक्टेशन. बिगेस्ट एक्साइटमेंट वॉज जस्ट अबाउट काजोल, नॉट जस्ट द अमेजिंग एक्ट्रेस बट द मूवी इट्सेल्फ वॉज ए ब्यूटिफुल एंड ए वेरी नाइस मूवी. ब्रिलियंट मूवी. रेणुका साहने हैज कम ए लॉन्ग वे एंड सिंस हर अर्ली डेज एज ए पॉपुलर आर्टिस्ट ऑन दूरदर्शन. से हर स्क्रीन प्ले इज शार्प एंड डायरेक्शन इंस्पायर्ड. द कास्टिंग इज आउटस्टैंडिंग बट इट इज द स्टोरी दैट टेक्स द केक. आई कैन रिलेट टू द सिचुएशंस वेयर ए डॉटर्स हैज एन एंटायरली डिफरेंट. आई रियली लाइक्ड इट. गुड इंसिस्ट इनटू द फैक्ट दैट डिस्पाइट पोजिंग एडवांसमेंट टू द वर्ल्ड इंडिया इज स्टिल स्टक इन सम ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशनल्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमन्स जस्ट बिकॉज देर आर स्टारबक्स एंड KFCs इन मुंबई डजंट मीन इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड. लव द करोल कैरेक्टर्स ऑल एज ए वॉल. गुड पिक्चराइजेशन एंड कास्टिज्म एंड ब्यूटिफुल वुमेंस ऑन स्क्रीन एंड क्यूट मोमेंट्स. सो कंप्लेंट इन एक्टिंग ऑफकोर्स विथ दीज टैलेंटेड एक्टर्स. जस्ट लव्ड दिस मूवी. स्टोरी लाइन डायरेक्शंस सो नेचुरल. ब्रिलियंट कास्ट. आफ्टर फिनिशिंग द मूवी कम टू गूगल टू सी रिएक्शन एंड फाउंड व्यू. सो कॉल्ड क्रिटिक्स गिव 2 and 3 स्टार्स. थिंक गॉड आई यूज माई ब्रेन एंड वॉच इट मूवी विदाउट डिपेंडिंग अपॉन रिव्यू. वेरी नाइस वार्म रियलिस्टिक मूवी. एंड त्रिभंगा इज ए वेरी रिलेटेबल मूवी विच डील्स विथ द रिलेशंस बिटवीन ए मदर एंड ए डॉटर एंड देन दैट डॉटर एज ए मदर एंड हर डॉटर. ए ग्रेट मूवीज बाय एनी स्टैंडर्ड्स. रेणुका साहने डिजर्व टू बी अपोल्डेड फॉर द डायरेक्शियल एंड वेंचर्स. एंड वेन फिल्म स्टार्ट अनुज फेमस नॉवेलिस्ट मदर आनियाज गोस इन टू कोमा. अनु एंड हर डॉटर्स मासा आर फेस्ड टू स्पेंड टाइम टूगेदर इन द हॉस्पिटल विथ नैन. एज अनु रिफ्लेक्ट्स ऑन हर ट्रबल्ड रिलेशनशिप विथ हर मदर वॉज easily waited to see this movie. Great movie with a good star cast who never overdo things. The emotions show are so subtle and incredible. You can really feel it, especially mention to Tanvi Ji and Kunal Kapoor. Okay, Tirbanga is a beautiful woman centric movie after a long time. And emotions are beautifully portrayed. Tanvi and her retrained acting stand out. You love her through the movie from the first scene to last. She was progressive for her time
which was not accepted by society. Brilliant performance by Kajol and Tanvi. Brilliant piece of work by Renuka Sahane. And depreciating leaves to unconventional women's and the impact of their choices on those who are related to them. Okay, Tribhanga is must watch, heart warming and throw and provoking movie, a woman centric movie and awesome directions of Renuka Sahane was taken this movie to a great height. The poignant moments and emotions attached with motherhood who have been penned down by the directors beautifully, and interesting theme, lovely performance, its scenes in personalities, choices, perspectives and repercussions. The Kajal and when Mithali Patrakar talks about her childhood issues, seems it little too simplistic. And Tribhanga is a three generations let tell with different stories connected to one. The pure essence of a selfish and a very nice movie. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज़ हुई, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी और इसके काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरभंगा टेडी मेडी क्रेजी, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल रॉय ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू। आई केम अपॉन तिरभंगा बाई चांस ऑन नेटफ्लिक्स। आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एंजॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच्ड। एंड तिरभंगा इज़ ए ब्यूटिफुल फिल्म एंड काजल्स बेस्ट एंड द अनइंटेंडेड रेप्रीक्यूशंस ऑन चिल्ड्रंस ऑफ दियर पेरेंट्स। ओके, ब्रिलियंट एंड रियल स्टोरी ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रोमा एंड दीज आर एब्सोल्युटली अनडिस्कस्ड सोशल रियलिटीज हिट्स होम नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर मैनी पीपल्स आई नो। द फिल्म आइडियाज विथ द टॉपिक इन ए वेरी बैलेंस्ड वे, द मदर्स डियर पार्टनर थ्रो ब्रॉट एवरी अनोदर मच नीडेड परस्पेक्टिव टू हाउ थिंग्स कैन हैपन्ड। And it's actually one of the best in the recent time, a movie which speak volume about that parents go through to make their children self sufficient, and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss, the movie delineates the characters extremely well, and the dance and sculptures portrayed several poses. The and in dance it is seen as a single crew poser, and a film to be watched by every parents, or I may say every individuals. At times we feel that other persons have never understood our pain. We feel she is seeing us going through the pain but not doing much to save us from the pain. Especially in case of children, they expect that their parents must understand. It is the fantastic movie
It seems to be based on some real story that puts one so close to real life, highlighting social shortcoming of our society makes it inspirational and realistic in the scenes that we do through every other day, while able to realize the truth around us in the present time. Tribhanga, Teddy crazy drama, and the three generations of women, their struggle, misunderstandings, regret, and resentments, and all the three leading ladies, Kajol, Tanvi, and Mithila Palkar, have performed well. Good movie, right from to get go, feel like a typical happy ending kind of a movie. The subject matter is very serious and has been dealt with in a dear fair manners. However, the movie has glossed over a lot of characters in the quest to climb needless streams. Okay, started watching it without much expectation. Biggest excitement was just about Kajol, not just the amazing actress, but the movie itself was a beautiful and a very nice movie. Brilliant movie. Renuka Sahane has come a long way, and since her early days as a popular artist on Doordarshan, her screenplay is sharp and directions inspired. The casting is outstanding, but it is the story that takes the cake. I can relate to the situations where a daughter has an entirely different. I really liked it. Good insist into the fact that despite posing advancement to the world, India is still stuck in some of outdated traditions and treatment of women just because there are Starbucks and KFCs in Mumbai doesn't mean India has progressed. Love the Kajol characters all. As a whole, good picturization and casteism and beautiful women on screen and cute moments. So complaint in acting, of course, with these talented actors. Just loved this movie. Storyline, directions, so natural. Brilliant cast. After finishing the movie, come to Google to see reaction and found view. So-called critics give 2 and 3 stars. Thank God I use my brain and watched movie without depending upon review. Very nice, warm, realistic movie. And Tribhanga is a very relatable movie which deals with the relations between a mother and a daughter, and then that daughter as a mother and her daughter. A great movie by any standards. Renuka Sahane deserve to be upholded for the directorial and ventures. And when film start, Anu's famous novelist mother Anya goes into coma. Anu and her daughters Masa are forced to spend time together in the hospital with Nan. As Anu reflects on her troubled relationship with her mother, was easily waited to see this movie. Great movie with a good star cast who never overdo things. The emotions show are so subtle and incredible. You can really feel it, especially
mention to Tanvi Ji and Kunal Kapoor. Okay, Kirbanga is a beautiful woman centric movie after a long time and emotions are beautifully portrayed. Tanvi and her retrained acting stand out. You love her through the movie from the first scene to last. She was progressive for her time, which was not accepted by society. Brilliant performance by Kajol and Tanvi. Brilliant piece of work by Renuka Sahane. And depreciating leaves to unconventional women and the impact of their choices on those who are related to them. Okay, Tribanga is must watch, heart warming and throw and provoking movie, a woman centric movie and awesome directions of Renuka Sahane was taken this movie to a great height. The poignant moments and emotions attached with motherhood who have been penned down by the directors beautifully. And interesting theme, lovely performance, its scenes in personalities, choices, perspectives and repercussions. The Kajal and when Mithali Padrekar talks about her childhood issues, seems it little too simplistic. And Tribanga is a three generations let tale with different stories connected to one. The pure essence of a selfish and a very nice movie. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज़ हुई, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी और इसके काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरभंगा टेडी मेडी क्रेजी, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल रॉय ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू। आई केम अपॉन तिरभंगा बाई चांस ऑन नेटफ्लिक्स। आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एन्जॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच्ड। And Tribanga is a beautiful film and Kajol's best and the unintended repercussions on children of their parents. Okay, brilliant and real story of intergenerational trauma, and these are absolutely undiscussed social realities hits home not only for me but for many peoples I know. The film ideas with the topic in a very balanced way. The mother's dear partner through brought every another much needed perspective to how things can happen. And it's actually one of the best in the recent time, a movie which speak volume about that parents go through to make their children self sufficient, and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss, the movie delineates the characters extremely well, and the dance and sculptures portrayed several poses. The and in dance it is seen as a single crew poser.
एंड ए फिल्म टू बी वॉच बाय एवरी पेरेंट्स और आई मे से एवरी इंडिविजुअल्स. एट टाइम्स वी फील दैट अदर पर्सन्स हैव नेवर अंडरस्टूड आवर पेन. वी फील शी इज सीइंग अस गोइंग थ्रू द पेन बट नॉट डूइंग मच टू सेव अस फ्रॉम द पेन. स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रंस दे एक्सपेक्ट दैट दियर पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड. इट इज़ द फंटेस्टिक मूवी. इट सीम्स टू बी बेस्ड और सम रियल स्टोरी दैट पुट्स वन सो क्लोज टू रियल लाइफ हाईलाइटिंग सोशल शॉर्ट कमिंग ऑफ आवर सोसाइटी मेक्स इट इंस्पिरेशनल एंड रियलिस्टिक्स इन द सीन्स दैट वी डू दो थ्रो एवरी अदर डे वाइल एबल टू रियलाइज द ट्रूथ अराउंड एज अस इन द प्रेजेंट टाइम. त्रिभंगा टेडी मेडी क्रेजी ड्रामा एंड द थ्री जनरेशंस ऑफ वुमेन दियर स्ट्रगल मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिग्रेट एंड रिसेंटिमेंट्स एंड ऑल द थ्री लीडिंग लेडीज काजोल तन्वी एंड मिथिला पालकर हैव परफॉर्मड वेल. गुड मूवी राइट फ्रॉम टू गेट गो. फील लाइक ए टिपिकल हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ ए मूवी. द सब्जेक्ट मैटर इज वेरी सीरियस एंड हैज बीन डेल्ट विथ इन ए दियर फेयर मैनर्स. हाउ एवर द मूवी हैज ग्लोज्ड ओवर ए लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन द क्वेस्ट टू क्लाइम नीडलेस स्ट्रीम्स. ओके स्टार्टेड वॉचिंग इट विदाउट मच एक्सपेक्टेशन. बिगेस्ट एक्साइटमेंट वॉज जस्ट अबाउट काजोल. नॉट जस्ट द अमेजिंग एक्ट्रेस बट द मूवी इट्सेल्फ वॉज ए ब्यूटिफुल एंड ए वेरी नाइस मूवी. ब्रिलियंट मूवी. रेणुका साहने हैज़ कम ए लॉन्ग वे एंड सिंस हर अर्ली डेज एज ए पॉपुलर आर्टिस्ट ऑन दूरदर्शन. से हर स्क्रीन प्ले इज शार्प एंड डायरेक्शंस इंस्पायर्ड. द कास्टिंग इज आउटस्टैंडिंग बट इट इज द स्टोरी दैट टेक्स द केक. आई कैन रिलेट टू द सिचुएशंस वेयर ए डॉटर्स हैज एन एंटायरली डिफरेंट. आई रियली लाइक इट. गुड इंसिस्ट इन टू द फैक्ट दैट डिस्पाइट पोजिंग एडवांसमेंट टू द वर्ल्ड इंडिया इज स्टिल स्टक इन सम ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशनल्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमन्स जस्ट बिकॉज देर आर स्टारबक्स एंड KFCs इन मुंबई डजंट मीन इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड. लव द करोल कैरेक्टर्स ऑल एज ए वॉल. गुड पिक्चराइजेशन एंड कास्टिज्म एंड ब्यूटिफुल वुमेंस ऑन स्क्रीन एंड क्यूट मोमेंट्स. सो कंप्लेंट इन एक्टिंग ऑफकोर्स विथ दीज टैलेंटेड एक्टर्स. जस्ट लव्ड दिस मूवी. Storyline directions so natural. Brilliant cast. After finishing the movie, come to Google to see reaction and found view. So called critics give 2 and 3 stars. Thank God I use my brain and watched movie without depending upon review. Very nice, warm, realistic movie. And Tribanga is a very relatable movie which deals with the relations between a mother and a daughter and then that daughter as a mother and her daughter. A great movie by any standards. Renuka Sahane deserve to be upholded for the directorial and ventures and when film start. Anu's famous novelist mother Anya goes into coma. Anu and her daughters Masa are forced to spend time together
in the hospital with Nan. As Anu reflects on her troubled relationship with her mother, was easily waited to see this movie, great movie with a good star cast who never overdo things. The emotions show are so subtle and incredible. You can really feel it, especially mention to Tanvi Ji and Kunal Kapoor. Okay, Tirbanga is a beautiful woman centric movie after a long time, and emotions are beautifully portrayed. Tanvi and her retrained acting stand out. You love her through the movie from the first scene to last. She was progressive for her time, which was not accepted by society. Brilliant performance by Kajol and Tanvi. Brilliant piece of work by Renuka Sahane. And depreciating leaves to unconventional women and the impact of their choices on those who are related to them. Okay, Tirbanga is must watch, heart warming and throw and provoking movie, a woman centric movie, and awesome directions of Renuka Sahane was taken this movie to a great height. The poignant moments and emotions attached with motherhood who have been penned down by the directors beautifully, and interesting theme, lovely performance, its scenes in personalities, choices, perspectives and repercussions. The Kajal and when Mithali Patrakar talks about her childhood issues, seems it little too simplistic. And Tirbanga is a three generations tale with different stories connected to one. The pure essence of a selfish and a very nice movie. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज हुई, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी और इसके काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरभंगा टेडी मेडी क्रेजी, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल रॉय ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू। आई केम अपॉन तिरभंगा बाई चांस ऑन नेटफ्लिक्स। आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एन्जॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच्ड। एंड तिरभंगा इज़ ए ब्यूटिफुल फिल्म एंड काजल्स बेस्ट एंड द अनइंटेंडेड रेप्रिक्यूशंस ऑन चिल्ड्रंस ऑफ दियर पेरेंट्स। ओके, ब्रिलियंट एंड रियल स्टोरी ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रोमा एंड दीज आर एब्सोल्युटली अनडिस्कस्ड सोशल रियलिटीज हिट्स होम नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर मैनी पीपल्स आई नो। द फिल्म आइडियाज विथ द टॉपिक इन ए वेरी बैलेंस्ड वे, द मदर्स डियर पार्टनर थ्रो ब्रॉट एवरी अनोदर मच नीडेड पर्सपेक्टिव टू हाउ थिंग्स कैन हैपन्ड। And it's actually one of the best in the recent time, a movie which speak volume about that parents go through to make their children self
sufficient and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss. The movie delineates the characters extremely well, and the dance and sculptures portrayed several poses. The and in dance it is seen as a single crew poser, and a film to be watched by every parents, or I may say every individuals. At times we feel that other persons have never understood our pain. We feel she is seeing us going through the pain but not doing much to save us from the pain. Especially in case of children, they expect that their parents must understand. It is a fantastic movie. It seems to be based on some real story that puts one so close to real life, highlighting social shortcoming of our society makes it inspirational and realistic in the scenes that we do through every other day, while able to realize the truth around us in the present time. Tribhanga Academy Crazy Drama and the three generations of women, their struggle, misunderstandings, regret and resentments, and all the three leading ladies, Kajol, Tanvi and Mithila Palkar, have performed well. Good movie, right from to get go, feel like a typical happy ending kind of a movie. The subject matter is very serious and has been dealt with in a dear fair manners. However, the movie has glossed over a lot of characters in the quest to climb needless streams. Okay, started watching it without much expectation. Biggest excitement was just about Kajol, not just the amazing actress, but the movie itself was a beautiful and a very nice movie. Brilliant movie. Renuka Sahane has come a long way, and since her early days as a popular artist on Doordarshan, her screenplay is sharp and directions inspired. The casting is outstanding, but it is the story that takes the cake. I can relate to the situations where a daughter has an entirely different. I really liked it. Good insist into the fact that despite posing advancement to the world, India is still stuck in some of outdated traditions and treatment of women, just because there are Starbucks and KFCs in Mumbai doesn't mean India has progressed. Love the crore characters all. As a whole, good picturization and casteism and beautiful women on screen and cute moments. So complaint in acting, of course, with these talented actors. Just loved this movie. Storyline, directions so natural, brilliant cast. After finishing the movie, come to Google to see reaction and found view. So called critics give 2 and 3 stars. Thank God I use my brain and watched movie without depending upon review. Very nice, warm, realistic movie. And Tribhanga is a very relatable movie which deals with the relations between a mother and a daughter, and then that daughter's
daughter as a mother and her daughter a great movies by any standards. Renuka Sahane deserve to be applauded for the directorial and ventures. And when film start, Anu's famous novelist mother Anya goes into coma. Anu and her daughters Masa are forced to spend time together in the hospital with Nan. As Anu reflects on her troubled relationship with her mother, was easily waited to see this movie, great movie with a good star cast who never overdo things. The emotions show are so subtle and incredible. You can really feel it, especially mention to Tanvi Ji and Kunal Kapoor. Okay, Tirbanga is a beautiful woman centric movie after a long time, and emotions are beautifully portrayed. Tanvi and her retrained acting stand out. You love her through the movie from the first scene to last. She was progressive for her time, which was not accepted by society. Brilliant performance by Kajol and Tanvi. Brilliant piece of work by Renuka Sahane. And depreciating leaves to unconventional women and the impact of their choices on those who are related to them. Okay, Tirbanga is must watch, heart warming and provoking movie, a woman centric movie, and awesome directions of Renuka Sahane was taken this movie to a great height. The poignant moments and emotions attached with motherhood who have been penned down by the directors beautifully, and interesting theme, lovely performance, its scenes in personalities, choices, perspectives and repercussions. The Kajal and when Mithali Padrekar talks about her childhood issues, seems it little too simplistic. And Tirbanga is a three generations late tale with different stories connected to one. The pure essence of a selfish and a very nice movie. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज़ हुई, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी और इसके काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरभंगा टेडी मेडी क्रेजी, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल रॉय ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू। आई केम अपॉन तिरभंगा बाई चांस ऑन नेटफ्लिक्स। आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एन्जॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच्ड। And Tirbanga is a beautiful film and Kajol's best and the unintended repercussions on children of their parents. Okay, brilliant and real story of intergenerational trauma, and these are absolutely undiscussed social realities hits home not only for me but for many people
आई नो द फिल्म आइडियाज विथ द टॉपिक इन ए वेरी बैलेंस्ड वे द मदर्स डियर पार्टनर थ्रो ब्रॉट एवरी अनदर मच नीडेड perspective to how things can happen, and it's actually one of the best in the recent time, a movie which speak volume about that parents go through to make their children self sufficient, and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss, the movie delineates the characters extremely well, and the dance and sculptures portrayed several poses. The and in dance it is seen as a single crew poser, and a film to be watched by every parents. Or I may say every individuals. At times we feel that other persons have never understood our pain. We feel she is seeing us going through the pain but not doing much to save us from the pain. Especially in case of children, they expect that their parents must understand. It is the fantastic movie. It seems to be based on some real story that puts one so close to real life, highlighting social shortcoming of our society makes it inspirational and realistic in the scenes that we do through every other day, while able to realize the truth around us in the present time. Tribhanga Tedimedikreji drama and the three generations of women, their struggle, misunderstandings, regret and resentments, and all the three leading ladies Kajol, Tanvi and Mithila Palkar have performed well. Good movie right from to get go. Feel like a typical happy ending kind of a movie. The subject matter is very serious and has been dealt with in a dear fair manners. However, the movie has glossed over a lot of characters in the quest to climb needless streams. Okay, started watching it without much expectation. Biggest excitement was just about Kajol, not just the amazing actress, but the movie itself was a beautiful and a very nice movie. Brilliant movie. Renuka Sahane has come a long way, and since her early days as a popular artist on Doordarshan, her screenplay is sharp and directions inspired. The casting is outstanding, but it is the story that takes the cake. I can relate to the situations where a daughter has an entirely different. I really liked it. Good insist into the fact that despite posing advancement to the world, India is still stuck in some of outdated traditions and treatment of women just because there are Starbucks and KFCs in Mumbai doesn't mean India has progressed. Love the role characters all as a whole. Good picturization and casteism and beautiful women on screen and cute moments. So complaint in acting, of course, with these talented actors. Just loved this movie.
स्टोरी लाइन डायरेक्शंस सो नेचुरल ब्रिलियंट कास्ट आफ्टर फिनिशिंग द मूवी कम टू गूगल टू सी रिएक्शन एंड फाउंड व्यू सो कॉल्ड क्रिटिक्स गिव 2 and 3 stars थिंक गॉड आई यूज माई ब्रेन एंड वॉच इट मूवी विदाउट डिपेंडिंग अपॉन रिव्यू वेरी नाइस वार्म रियलिस्टिक मूवी एंड त्रिभंगा इज ए वेरी रिलेटेबल मूवी विच डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन ए मदर एंड ए डॉटर एंड देन दैट डॉटर्स डॉटर एज ए मदर एंड हर डॉटर ए ग्रेट मूवीज बाय एनी स्टैंडर्ड्स रेणुका सहाने डिजर्व टू बी अपोल्डेड फॉर द डायरेक्शियल एंड वेंचर्स एंड वेन फिल्म स्टार्ट अनुज फेमस नॉवेलिस्ट मदर आनियाज गोस इन टू कोमा अनु एंड हर डॉटर्स मसा आर फेस्ड टू स्पेंड टाइम टूगेदर इन द हॉस्पिटल विद नैन एज अनु रिफ्लेक्ट्स ऑन हर ट्रबल्ड रिलेशनशिप विद हर मदर वॉज easily waited to see this movie great movie with a good star cast who never overdo things the emotions show are so subtle and incredible you can really feel it especially mention to Tanvi ji and Kunal Kapoor okay Tirbanga is a beautiful woman centric movie after a long time and emotions are beautifully portrayed Tanvi and her retrained acting stand out you love her through the movie from the first scene to last she was progressive for her time which was not accepted by society brilliant performance by Kajol and Tanvi brilliant piece of work by Renuka Sahane and depreciating leaves to unconventional women and the impact of their choices on those who are related to them okay Tirbanga is must watch heart warming and provoking movie a woman centric movie and awesome directions of Renuka Sahane was taken this movie to a great height the poignant moments and emotions attached with motherhood who have been penned down by the directors beautifully and interesting theme lovely performance its scenes in personalities choices perspectives and repercussions the Kajol and when Mithali Padrekar talks about her childhood issues seems it little too simplistic and Tirbanga is a three generations let tale with different stories connected to one the pure essence of a selfish and a very nice movie नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज हुई जी हाँ दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी और इसके काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे तिरभंगा टेडी मेडी क्रेजी जो कि 2021 में रिलीज हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल रॉय ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू आई कैम अपॉन तिरभंगा बाई चांस ऑन नेटफ्लिक्स आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एन्जॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच एंड तिरभंगा इज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म
एंड काजल्स बेस्ट एंड द अनइंटेंडेड रेप्रिक्यूशंस ऑन चिल्ड्रंस ऑफ दियर पेरेंट्स. ओके, ब्रिलियंट एंड रियल स्टोरी ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रोमा एंड दीज आर एब्सोल्युटली अनडिस्कस्ड सोशल रियलिटीज हिट्स होम नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर मैनी पीपल्स आई नो. द फिल्म आइडियाज विथ द टॉपिक इन ए वेरी बैलेंस्ड वे. द मदर्स डियर पार्टनर थ्रो ब्रॉट एवरी अनदर मच नीडेड परस्पेक्टिव टू हाउ थिंग्स कैन हैपन. एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट इन द रिसेंट टाइम. ए मूवी विच स्पीक वॉल्यूम अबाउट दैट पेरेंट्स गो थ्रू टू मेक दियर चिल्ड्रन सेल्फ sufficient and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss. The movie delineates the characters extremely well and the dance and sculptures portrayed several pose. The and in dance it is seen as a single crew poser and a film to be watched by every parents or I may say every individuals. At times we feel that other persons have never understood our pain. We feel she is seeing us going through the pain but not doing much to save us from the pain. Especially in case of children, they expect that their parents must understand. It is the fantastic movie. It seems to be based on some real story that puts one so close to real life, highlighting social shortcoming of our society makes it inspirational and realistic in the scenes that we do, though through. Every other day while able to realize the truth around as us in the present time. Tribhanga Teddy Medikreji drama and the three generations of women, their struggle, misunderstandings, regret and resentments and all the three leading ladies Kajol, Tanvi and Mithila Palkar have performed well. Good movie right from to get go. Feel like a typical happy ending kind of a movie. The subject matter is very serious and has been dealt with in a dear fair manners. However, the movie has glossed over a lot of characters in the quest to climb needless streams. Okay, started watching it without much expectation. Biggest excitement was just about Kajol, not just the amazing actress but the movie itself was a beautiful and a very nice movie. Brilliant movie. Renuka Sahane has come a long way and since her early days as a popular artist on Doordarshan, her screenplay is sharp and directions inspired. The casting is outstanding but it is the story that takes the cake. I can relate to the situations where a daughter has an entirely different. I really liked it. Good insist into the fact that despite posing advancement to the world, India is still stuck in some of outdated traditions
एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमन्स जस्ट बिकॉज देर आर स्टारबक्स एंड KFCs इन मुंबई डजंट मीन इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड लव द करोल कैरेक्टर्स ऑल एज अ वॉल गुड पिक्चराइजेशन एंड कास्टिज्म एंड ब्यूटिफुल वुमेंस ऑन स्क्रीन एंड क्यूट मोमेंट्स सो कंप्लेंट इन एक्टिंग ऑफकोर्स विद दीज टैलेंटेड एक्टर्स जस्ट लव्ड दिस मूवी स्टोरी लाइन डायरेक्शंस सो नेचुरल ब्रिलियंट कास्ट आफ्टर फिनिशिंग द मूवी कम टू गूगल टू सी रिएक्शन एंड फाउंड व्यू सो कॉल्ड क्रिटिक्स गिव 2 and 3 stars थिंक गॉड आई यूज माई ब्रेन एंड वॉचड मूवी विदाउट डिपेंडिंग अपॉन रिव्यू वेरी नाइस वार्म रियलिस्टिक मूवी एंड त्रिभंगा इज ए वेरी relatable movie which deals with the relations between a mother and a daughter and then that daughter as a mother and her daughter a great movies by any standards Renuka Sahane deserve to be upholded for the directorial and ventures and When film start, Anu's famous novelist mother, Anya goes into coma. Anu and her daughters, Masa, are forced to spend time together in the hospital with Nan. As Anu reflects on her troubled relationship with her mother, Easily waited to see this movie, great movie with a good star cast who never overdo things. The emotions show are so subtle and incredible. You can really feel it, especially mention to Tanvi Ji and Kunal Kapoor. Okay, Tirbanga is a beautiful woman-centric movie after a long time. And emotions are beautifully portrayed. Tanvi and her retrained acting stand out. You love her through the movie from the first scene to last. She was progressive for her time, which was not accepted by society. Brilliant performance by Kajol and Tanvi. Brilliant. Piece of work by Renuka Sahane and depreciating leaves to unconventional women and the impact of their choices on those who are related to them. Okay, Tirbanga is must watch, heartwarming and provoking movie. A woman. Centric movie and awesome directions of Renuka Sahane was taken this movie to a great height. The poignant moments and emotions attached with motherhood who have been penned down by the directors beautifully. And interesting theme, lovely performance, its scenes in personalities, choices, perspectives and repercussions. The Kajal and when Mithali Padrekar talks about her childhood issues seems it little too simplistic and Tirbanga is a three generations let tell with different stories connected to one. The pure essence of a selfish and a very nice movie. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज हुई, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी और इसके काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरभंगा टेडी मेडी क्रेजी, जो कि 2021 में रिलीज हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल
रॉय ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू। आई केम अपॉन त्रिभंगा बाय चांस ऑन नेटफ्लिक्स। आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एंजॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच्ड। एंड त्रिभंगा इज़ ए ब्यूटिफुल फिल्म एंड काजल्स बेस्ट एंड द अनइंटेंडेड रेप्रिक्यूशंस ऑन चिल्ड्रंस ऑफ दियर पेरेंट्स। ओके ब्रिलियंट एंड रियल स्टोरी ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रोमा एंड दीज आर एब्सोल्युटली अनडिस्कस्ड सोशल रियलिटीज हिट्स होम नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर मैनी पीपल्स आई नो। द फिल्म आइडियाज विथ द टॉपिक इन ए वेरी बैलेंस्ड वे द मदर्स डियर पार्टनर थ्रो ब्रॉट एवरी अनोदर मच नीडेड perspective to how things can happen and it's actually one of the best in the recent time, a movie which speak volume about that parents go through to make their children self sufficient and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss, the movie delineates the characters extremely well and the dance and sculptures portrayed several poses. And in dance it is seen as a single crew poser and a film to be watched by every parents or I may say every individuals. At times we feel that other persons have never understood our pain. We feel she is seeing us going through the pain but not doing much to save us from the pain. Especially in case of children, they expect that their parents must understand. It is the fantastic movie. It seems to be based on some real story that puts one so close to real life, highlighting social shortcoming of our society makes it inspirational and realistic in the scenes that we do through every other day, while able to realize the truth around us in the present time. त्रिभंगा टेडी मेडी क्रेजी ड्रामा एंड द थ्री जनरेशन्स ऑफ वुमेन दियर स्ट्रगल मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिग्रेट एंड रिसेंटिमेंट्स एंड ऑल द थ्री लीडिंग लेडीज काजोल तन्वी एंड मिथिला पालकर हैव परफॉर्मड वेल. गुड मूवी राइट फ्रॉम टू गेट गो. फील लाइक ए टिपिकल हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ ए मूवी. द सब्जेक्ट मैटर इज वेरी सीरियस एंड हैज़ बीन डेल्ट विथ इन ए दियर फेयर मैनर्स. हाउएवर द मूवी हैज़ ग्लोज्ड ओवर ए लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन द क्वेस्ट टू क्लाइम नीडलेस स्ट्रीम्स. ओके started watching it without much expectation. Biggest excitement was just about Kajol, not just the amazing actress but the movie itself was a beautiful and a very nice movie. Brilliant movie. Renuka Sahane has come a long way and since her early days एज ए पॉपुलर आर्टिस्ट ऑन दूरदर्शन से. हर स्क्रीन प्ले इज शार्प एंड डायरेक्शंस
inspired. The casting is outstanding, but it is the story that takes the cake. I can relate to the situations where a daughter has an entirely different. I really liked it. Good insist into the fact that despite posing advancement to the world, India is still stuck in some of outdated traditions and treatment of women just because there are Starbucks and KFCs in Mumbai doesn't mean India has progressed. Love the Kroll characters all. As a whole, good picturization and casteism and beautiful women on screen and cute moments. So complaint in acting, of course, with these talented actors. Just loved this movie. Storyline, directions, so natural, brilliant cast. After finishing the movie, come to Google to see reaction and found view. So called critics give 2 and 3 stars. Thank God I use my brain and watched movie without depending upon review. Very nice, warm, realistic movie. And Tribhanga is a very relatable movie which deals with the relations between a mother and a daughter, and then that daughter as a mother and her daughter. A great movie by any standards. Renuka Sahane deserve to be upholded for the directorial and ventures. And when film start, Anu's famous novelist mother Anya goes into coma. Anu and her daughters Masa are forced to spend time together in the hospital with Nan. As Anu reflects on her troubled relationship with her mother, was easily waited to see this movie. Great movie with a good star cast who never overdo things. The emotions show are so subtle and incredible. You can really feel it, especially mention to Tanvi Ji and Kunal Kapoor. Okay, Tribhanga is a beautiful woman centric movie after a long time, and emotions are beautifully portrayed. Tanvi and her retrained acting stand out. You love her through the movie from the first scene to last. She was progressive for her time, which was not accepted by society. Brilliant performance by Kajol and Tanvi. Brilliant piece of work by Renuka Sahane, and depreciating leaves to unconventional women and the impact of their choices on those who are related to them. Okay, Tribhanga is must watch, heart warming and throw and provoking movie, a woman centric movie, and awesome directions of Renuka Sahane was taken this movie to a great height. The poignant moments and emotions attached with motherhood who have been penned down by the directors beautifully, and interesting theme, lovely performance, its scenes in personalities, choices, perspectives and repercussions. The Kajal and when Mithali Patrakar talks about her childhood issues, seems it little too simplistic. And Tribhanga is a three generations let tell
with different stories connected to one. The pure essence of a selfish and a very nice movie. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज़ हुई, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी और इसके काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरभंगा टेडी मेडी क्रेजी, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल रॉय ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू। आई केम अपॉन तिरभंगा बाई चांस ऑन नेटफ्लिक्स। आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एन्जॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच्ड। एंड तिरभंगा इज़ ए ब्यूटिफुल फिल्म एंड काजल्स बेस्ट एंड द अनइंटेंडेड रेप्रिक्यूशंस ऑन चिल्ड्रंस ऑफ दियर पेरेंट्स। ओके, ब्रिलियंट एंड रियल स्टोरी ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रोमा एंड दीज आर एब्सोल्युटली अनडिस्कस्ड सोशल रियलिटीज हिट्स होम नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर मैनी पीपल्स आई नो। द फिल्म आइडियाज विथ द टॉपिक इन ए वेरी बैलेंस्ड वे। द मदर्स डियर पार्टनर थ्रो ब्रॉट एवरी अनोदर मच नीडेड पर्सपेक्टिव टू हाउ थिंग्स कैन हैपन्ड। And it's actually one of the best in the recent time, a movie which speak volume about that parents go through to make their children self sufficient, and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss, the movie delineates the characters extremely well, and the dance and sculptures portrayed several poses. The and in dance it is seen as a single crew poser, and a film to be watched by every parents, or I may say every individuals. At times we feel that other persons have never understood our pain. We feel she is seeing us going through the pain but not doing much to save us from the pain. Especially in case of children, they expect that their parents must understand. It is a fantastic movie. It seems to be based on some real story that puts one so close to real life, highlighting social shortcoming of our society makes it inspirational and realistic in the scenes that we do though through every other day, while able to realize the truth around as us in the present time. तिरभंगा टेडी मेडी क्रेजी ड्रामा एंड द थ्री जनरेशन ऑफ वुमेन दियर स्ट्रगल मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिग्रेट एंड रिसेंटिमेंट्स एंड ऑल द थ्री लीडिंग लेडीज काजोल तन्वी एंड मिथिला पालकर हैव परफॉर्मड वेल। गुड मूवी राइट फ्रॉम टू गेट गो। फील लाइक ए टिपिकल हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ ए मूवी। द सब्जेक्ट मैटर इज वेरी सीरियस एंड हैज़ बीन डेल्ट विथ इन ए दियर फेयर मैनर्स। हाउएवर द मूवी हैज़ ग्लोज्ड ओवर ए लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन द क्वेस्ट टू क्लाइम नीडलेस स्ट्रीम्स। ओके, स्टार्टेड वॉचिंग इट विदाउट मच एक्सपेक्टेशन। बिगेस्ट
एक्साइटमेंट वॉज जस्ट अबाउट काजोल, नॉट जस्ट द अमेजिंग एक्ट्रेस बट द मूवी इट्सेल्फ वॉज ए ब्यूटिफुल एंड ए वेरी नाइस मूवी, ब्रिलियंट मूवी. रेणुका साहने हैज कम ए लॉन्ग वे एंड सिंस हर अर्ली डेज एज ए पॉपुलर आर्टिस्ट ऑन दूरदर्शन से. हर स्क्रीन प्ले इज शार्प एंड डायरेक्शंस इंस्पायर्ड. द कास्टिंग इज आउटस्टैंडिंग बट इट इज द स्टोरी दैट टेक्स द केक. आई कैन रिलेट टू द सिचुएशंस वेयर ए डॉटर्स हैज एन एंटायरली डिफरेंट. आई रियली लाइक्ड इट. गुड इंसिस्ट इनटू द फैक्ट दैट डिस्पाइट पोजिंग एडवांसमेंट टू द वर्ल्ड, इंडिया इज स्टिल स्टक इन सम ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशनल्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमन्स जस्ट बिकॉज देर आर स्टारबक्स एंड KFCs इन मुंबई डजंट मीन इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड. लव द करोल कैरेक्टर्स ऑल एज ए वॉल. गुड पिक्चराइजेशन एंड कास्टिज्म एंड ब्यूटिफुल वुमेंस ऑन स्क्रीन एंड क्यूट मोमेंट्स. सो कंप्लेंट इन एक्टिंग ऑफकोर्स विथ दीज टैलेंटेड एक्टर्स. जस्ट लव्ड दिस मूवी. स्टोरी लाइन डायरेक्शंस सो नेचुरल. ब्रिलियंट कास्ट. आफ्टर फिनिशिंग द मूवी कम टू गूगल टू सी रिएक्शन एंड फाउंड व्यू. सो कॉल्ड क्रिटिक्स गिव 2 and 3 stars. थिंक गॉड आई यूज माई ब्रेन एंड वॉचड मूवी विदाउट डिपेंडिंग अपॉन रिव्यू. वेरी नाइस वार्म रियलिस्टिक मूवी. एंड त्रिभंगा इज ए वेरी relatable movie which deals with the relations between a mother and a daughter, and then that daughter as a mother and her daughter. A great movies by any standards. Renuka Sahane deserve to be applauded for the directorial and ventures. And when film start, Anu's famous novelist mother Anya goes into coma. Anu and her daughters Masa are forced to spend time together in the hospital with Nan. As Anu reflects on her troubled relationship with her mother, was easily waited to see this movie. Great movie with a good star cast who never overdo things. The emotions show are so subtle and incredible. You can really feel it, especially mention to Tanvi Ji and Kunal Kapoor. Okay, Tirbanga is a beautiful woman centric movie after a long time. And emotions are beautifully portrayed. Tanvi and her retrained acting stand out. You love her through the movie from the first scene to last. She was progressive for her time, which was not accepted by society. Brilliant performance by Kajol and Tanvi. Brilliant piece of work by Renuka Sahane, and depreciating leaves to unconventional women and the impact of their choices on those who are related to them. Okay, Tirbanga is must watch, heart warming and throw and provoking movie. A woman centric movie and awesome directions of Renuka Sahane was taken this movie to a great height. The poignant moments and emotionals attached with motherhood who have been penned down by the directors beautifully.
एंड इंटरेस्टिंग थीम, लवली परफॉर्मेंस, इट्स सीन्स इन पर्सनैलिटीज, चॉइसेस, पर्सपेक्टिव्स एंड रिप्रिक्वेशंस। द काजल एंड वैन मिथाली पादरेकर टॉक्स अबाउट हर चाइल्डहुड इश्यूज सीम्स इट लिटिल टू सिंपलिस्टिक एंड त्रिभंगा इज ए थ्री जनरेशंस लेट टेल विथ डिफरेंट स्टोरीज कनेक्टेड टू वन द प्योर एसेंस ऑफ ए सेल्फिश एंड वेरी नाइस मूवी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज हुई, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी और इसके काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिभंगा टेडी मेडी क्रेजी, जो कि 2021 में रिलीज हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल रॉय ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू। आई केम अपॉन त्रिभंगा बाई चांस ऑन नेटफ्लिक्स। आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एंजॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच्ड। एंड त्रिभंगा इज़ ए ब्यूटिफुल फिल्म एंड काजल्स बेस्ट एंड द अनइंटेंडेड रेप्रिक्यूशंस ऑन चिल्ड्रंस ऑफ दियर पेरेंट्स। ओके, ब्रिलियंट एंड रियल स्टोरी ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रोमा एंड दीज आर एब्सोल्युटली अनडिस्कस्ड सोशल रियलिटीज हिट्स होम नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर मैनी पीपल्स आई नो। द फिल्म आइडियाज विथ द टॉपिक इन ए वेरी बैलेंस्ड वे, द मदर्स डियर पार्टनर थ्रो ब्रॉट एवरी अनोदर मच नीडेड पर्सपेक्टिव टू हाउ थिंग्स कैन हैपन्ड। And it's actually one of the best in the recent time, a movie which speak volume about that parents go through to make their children self sufficient, and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss, the movie delineates the characters extremely well, and the dance and sculptures portrayed several poses. The and in dance it is seen as a single crew poser, and a film to be watched by every parents, or I may say every individuals. At times we feel that other persons have never understood our pain. We feel she is seeing us going through the pain but not doing much to save us from the pain. Especially in case of children, they expect that their parents must understand. It is a fantastic movie. It seems to be based on some real story that puts one so close to real life, highlighting social shortcoming of our society makes it inspirational and realistic in the scenes that we do though through every other day, while able to realize the truth around as us in the present time. त्रिभंगा टेडी मेडी क्रेजी ड्रामा एंड द थ्री जनरेशंस ऑफ वुमेन, दियर स्ट्रगल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, रिग्रेट एंड रिसेंटिमेंट्स एंड ऑल द थ्री लीडिंग लेडीज काजोल, तन्वी एंड मिथिला पालकर हैव परफॉर्मड वेल। गुड मूवी राइट फ्रॉम टू गेट गो, फील लाइक ए
typical happy ending kind of a movie. The subject matter is very serious and has been dealt with in a dear fair manners. However, the movie has glossed over a lot of characters in the quest to climb needless streams. Okay, started watching it without much expectation. Biggest excitement was just about Kajol, not just the amazing actress, but the movie itself was a beautiful and a very nice movie. Brilliant movie. Renuka Sahane has come a long way, and since her early days as a popular artist on Doordarshan, her screenplay is sharp and directions inspired. The casting is outstanding, but it is the story that takes the cake. I can relate to the situations where a daughter has an entirely different. I really liked it. Good insist into the fact that despite posing advancement to the world, India is still stuck in some of outdated traditions and treatment of women just because there are Starbucks and KFCs in Mumbai doesn't mean India has progressed. Love the Kajol characters all. As a whole, good picturization and casteism and beautiful women on screen and cute moments. So complaint in acting, of course, with these talented actors. Just loved this movie. Storyline, directions so natural, brilliant cast. After finishing the movie, come to Google to see reaction and found view. So called critics give 2 and 3 stars. Think God I use my brain and watch the movie without depending upon review. Very nice, warm, realistic movie. And Tribhanga is a very relatable movie which deals with the relations between a mother and a daughter, and then that daughter as a mother and her daughter. A great movie by any standards. Renuka Sahane deserve to be applauded for the directorial and ventures. And when film start, Anu's famous novelist mother Anya goes into coma. Anu and her daughters Masa are forced to spend time together in the hospital with Nan. As Anu reflects on her troubled relationship with her mother, was easily waited to see this movie. Great movie with a good star cast who never overdo things. The emotions show are so subtle and incredible. You can really feel it, especially mention to Tanvi Ji and Kunal Kapoor. Okay, Tribhanga is a beautiful woman-centric movie after a long time, and emotions are beautifully portrayed. Tanvi and her retrained acting stand out. You love her through the movie from the first scene to last. She was progressive for her time, which was not accepted by society. Brilliant performance by Kajol and Tanvi. Brilliant piece of work by Renuka Sahane, and depreciating leaves to unconventional women and the impact of their choices on those who are related to them. Okay, Tribhanga is must watch
हार्ट वार्मिंग एंड थ्रो एंड प्रोवोकिंग मूवी, ए वुमेन सेंट्रिक मूवी एंड ओसम डायरेक्शंस ऑफ रेणुका साहने वॉज टेकन दिस मूवी टू ए ग्रेट हाइट. द पोइग्नेंट वुमेंस एंड इमोशनल्स अटैच्ड विथ मदरहुड हु हैव बीन पेनेड डाउन बाय द डायरेक्टर्स ब्यूटिफुली एंड इंटरेस्टिंग थीम लवली परफॉर्मेंस इट्स सीन्स इन पर्सनैलिटीज चॉइसिस परस्पेक्टिवस एंड रिप्रिक्वेशंस द काजल एंड वैन मिथाली पादरेकर टॉक्स अबाउट हर चाइल्डहुड इशूज सीम्स इट लिटिल टू सिंपलिस्टिक एंड त्रिभंगा इज ए थ्री जनरेशन्स लेट टेल विथ डिफरेंट स्टोरीज कनेक्टेड टू वन द प्योर एसेंस ऑफ ए सेल्फीज एंड वेरी नाइस मूवी. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज हुई, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी और इसके काफ़ी अच्छे ऑडियंस रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिभंगा टेडी मेडी क्रेजी, जो कि 2021 में रिलीज हुई है और इसमें काजोल और तन्वी और कुणाल रॉय ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और आपको इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों. तो आइए दोस्तों हम ऑडियंस रिव्यू देखते हैं. लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों. तो देखते हैं दोस्तों ऑडियंस रिव्यू. आई केम अपॉन त्रिभंगा बाय चांस ऑन नेटफ्लिक्स. आई वॉज नॉट एक्सपेंडिंग मच बट आई एंजॉयड द फिल्म एंड आई एम ग्लेड आई वॉच्ड. एंड त्रिभंगा इज़ ए ब्यूटिफुल फिल्म एंड काजल्स बेस्ट एंड द अनइंटेंडेड रेप्रिक्यूशंस ऑन चिल्ड्रंस ऑफ दियर पेरेंट्स. ओके, ब्रिलियंट एंड रियल स्टोरी ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रोमा एंड दीज आर एब्सोल्युटली अनडिस्कस्ड सोशल रियलिटीज हिट्स होम नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर मैनी पीपल्स आई नो. द फिल्म आइडियाज विथ द टॉपिक इन ए वेरी बैलेंस्ड वे. द मदर्स डियर पार्टनर थ्रो ब्रॉट एवरी अनोदर मच नीडेड परस्पेक्टिव टू हाउ थिंग्स कैन हैपन्ड. And it's actually one of the best in the recent time, a movie which speak volume about that parents go through to make their children self sufficient, and also the fact that misunderstanding are bound to happen. In few things are amiss, the movie delineates the characters extremely well, and the dance and sculptures portrayed several poses. The and in dance it is seen as a single crew poser, and a film to be watched by every parents, or I may say every individuals. At times we feel that other persons have never understood our pain. We feel she is seeing us going through the pain but not doing much to save us from the pain. Especially in case of children, they expect that their parents must understand. It is a fantastic movie. It seems to be based on some real story that puts one so close to real life, highlighting social shortcoming of our society makes it inspirational and realistic in the scenes that we do through every other day, while able to realize the truth around
एज अस इन द प्रेजेंट टाइम। त्रिभंगा एकेडमी में डिक्रेजी ड्रामा एंड द थ्री जनरेशंस ऑफ वुमेन दियर स्ट्रगल मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिग्रेट एंड रिसेंटिमेंट्स एंड ऑल द थ्री लीडिंग लेडीज काजोल तन्वी एंड मिथिला पालकर हैव परफॉर्मड वेल। गुड मूवी राइट फ्रॉम टू गेट गो फील लाइक ए टिपिकल हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ ए मूवी। द सब्जेक्ट मैटर इज वेरी सीरियस एंड हैज़ बीन डेल्ट विथ इन ए दियर फेयर मैनर्स। हाउ एवर द मूवी हैज़ ग्लोज्ड ओवर ए लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन द क्वेस्ट टू क्लाइम नीडलेस स्ट्रीम्स। ओके स्टार्टेड वॉचिंग इट विदाउट मच एक्सपेक्टेशन। बिगेस्ट एक्साइटमेंट वॉज जस्ट अबाउट काजोल, नॉट जस्ट द अमेजिंग एक्ट्रेस बट द मूवी इट्सेल्फ वॉज ए ब्यूटिफुल एंड ए वेरी नाइस मूवी। ब्रिलियंट मूवी। रेणुका साहने हैज़ कम ए लॉन्ग वे एंड सिंस हर अर्ली डेज एज ए पॉपुलर आर्टिस्ट ऑन दूरदर्शन। हर स्क्रीन प्ले इज शार्प एंड डायरेक्शन इंस्पायर्ड। द कास्टिंग इज आउटस्टैंडिंग बट इट इज़ द स्टोरी दैट टेक्स द